The extension of inauguration, Donipolo Airport. हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने जो भी निर्णय लिया, आई अप्रिशिएट करते हैं, आई अप्रिशिएट हिज डिसीजन. जल्दीबाजी में ये डिसीजन लेने से क्या होता है, उसमें बहुत सारा गड़बड़ी आ जाता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है, एज पर स्टैंडर्ड वर्क एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है. ये जो जैसे डिसीजन लिया है, हम इसको फील करता है इस मेच्योर डिसीजन. हरिडली अगर आप करेगा तो कहीं ना कहीं आपको एलिगेशन अब कहीं ना कहीं से आपको आप सीएम के ऊपर तो लगना था, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड. क्योंकि एयरपोर्ट जो है एक हमारा सिर्फ अरुणाचल लोग के लिए नहीं है, बाहर स्थित का भी काफ़ी लोग आना जाना होगा, हजारों संख्या का ये उसमें जान का भी सवाल है. कहीं से कुछ छोटा सा अगर गलत कर देगा, कुछ एक दुर्घटना में कुछ हो जाएगा तो हमारा हजारों का नुकसान होता है, हजारों लोगों का नुकसान होता है, घर परिवार नुकसान होता है. तो जो भी डिसीजन हमारा सीएम साहब ने लिया है उसको हम अप्रिशिएट करता है. जैसे हमारा पिछले बार जो हाईवे इशू को लेकर उन्होंने सीधा बोल दिया कि 31 मार्च 2021 तक हाईवे कंप्लीट करेगा, नहीं करने से हम सीएम पर से इस्तीफा देगा, ऐसे ऐसे बात करके हमारा रोड तो बना दिया, बट देट वॉज नॉट एज पार द क्वालिटी जो होना चाहिए था. तो हमारा एयरपोर्ट में ये नहीं हुआ है, उसको हम अप्रिशिएट करता है. लेकिन एयरपोर्ट को ये जो एक्सटेंशन समय लेके रखा है, उसको ऐसा नहीं होना है कि समय एक्सटेंशन ले लिया अब अपना हिसाब से समय लगेगा, ऐसा नहीं होना है. या जनता के जो ज़रूरत का हिसाब से वो एयरपोर्ट को भी जल्द से जल्द, ये सब आप सभी ने भी सुना था. तो उसका रिकॉर्डिंग भी हमको कोई किसी ने भेजा है, मैं उसको सुना देता हूँ. पूरा जनता तो ये गवाह है, थ्रू प्रेस मीडिया वो सब गवाह है बोला था. अभी ये पॉइंट को लेके हम या कोई अंडर पास का बात को नहीं रख रहा है, कोई ब्रिजेस का बात को लेके हम नहीं रख रहे हैं. ये पोर्शन में इनकम्प्लीट, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा हमको तो आइडिया नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेशन बिफोर मी, हमको जो जनता ने कुछ लोगों ने हमको बाय टेलीफोनिक कुछ लोग आके हमको जो बताया है, हमने भी जाके फिर रोज इस पोर्ट को देखा है, जैसे हमको रिपोर्ट किया वैसे रास्ता तो है, इनकम्प्लीट है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, हियर आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द पोर्शन ऑफ अंडर पास, द पोर्शन ऑफ ब्रिजेस, ऐसा वो पॉइंट को नहीं है. कुछ पोर्शन ऐसा है कि अभी तक उसको छुआ नहीं है. मीडिया फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा जस्ट हीमा क्लिनिक के सामने में जो रास्ता पोर्शन ऑफ रोड जस्ट इन एंड अराउंड हीमा हॉस्पिटल, वो रास्ता तो अभी तक छुआ नहीं है. आपने तो जल्दबाजी में मीडिया में बोल दिया कि 31 मार्च 2021 तक ये रास्ता कंप्लीट नहीं करने से इस्तीफा देगा. हम आपको इस्तीफा नहीं मांगता है एज ए यूथ कांग्रेस लीडर, एज ए यूथ लीडर हम इस्तीफा नहीं मांगता है, और इस्तीफा मांगने का हमको उतना पावर भी नहीं है, क्योंकि यू आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस स्टेट. आपने जो भी कमेंट्स किया है, जो भी मीडिया के सामने जो भी कमेंट्स रखा है, दैट वाज द इमेच्योर कमेंट्स. ये एक सीएम होने के नाते, स्टेट का मुख्यमंत्री होने का नाते, ये एक इमेच्योर कमेंट्स था. आप जनता ने आप सीएम जो सीएम को हमारा जनता ने मिलके, हमारा जनता जिसको भी एमएलए बनाया वो लोगों ने मिलके सीएम बनाया है. तो जनता ने जिस कुर्सी को आपको दिलाया है तो उस कुर्सी को आप ये दाव पे नहीं रख सकता है. अगर कुर्सी से अगर हटाना रखना भी है तो जनता का ऊपर डिपेंड करता है. आपका हिसाब से आप कुर्सी छोड़ सकता है, आपका हिसाब से कुर्सी को दाव पे रख सकता है, ये नहीं कर सकता है. जनता ही डिसाइड करेगा. जनता ने आपको सीएम बनाया, अगर जनता अगर आपको नहीं चाहता है तो कल को आपको हटा भी सकता है. तो ये पॉइंट को लेके जो हीमा हॉस्पिटल के सामने वाला जो रोड पोर्शन है उसका अभी क्या करेगा. आपने जो कमेंट्स करके रखा है 31 मार्च 2021, अभी बोला जाए तो ऑलमोस्ट या मार्च अगर आता है तो 2 साल होगा. उस बीच में हमने कभी बोला नहीं है और हमने गौर से उसको नज़र रखा भी नहीं है. जब हमको जनता ने मिलके हमको ये बात बताया
तो ये मीडिया का सामने आना पड़ गया। वो इसलिए आया है, दिस इज अ मेन इम्पोर्टेंट एरिया, बगल में मेडिकल है, पार्किंग प्रॉब्लम है, हाईवे जो बना के रखा है, एक चूहा का दो पूंछ को रखा जैसे बना के रख दिया है। एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द गाइडलाइन, जो भी रास्ता जो पोर्शन जो पैकेज ए में बनाया है, दैट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द गाइडलाइंस, हाईवे कुछ इस तरह से वैसे बनाया नहीं है। लेकिन आपने जल्दबाजी में अपना सीएम पद को दाव पे रख के जो कमेंट्स करके उसको मीटअप करने के लिए जो रास्ता बनाया है, एज पर क्वालिटी में भी नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड में भी नहीं है। जो रोड का वाइडनिंग जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। मिनिमम वाइडनिंग पोर्शन वो जितना लगाना चाहिए वो भी नहीं लगाया है। हम फिर से बोल रहे हैं, दो ये चूहा का पूंछ को रखा जैसा है, बीच में एक ये डिवाइडर लगा के रख दिया बस, फिर भी चलने लायक बना दिया, बल्कि हमने चुपचाप बैठा है। बट जनता अभी ये प्रॉब्लम को पेश नहीं कर पा रहा है, स्पेशली दिस हिमा हॉस्पिटल के सामने में जो पोर्शन है उसको हम रिक्वेस्ट करता है सीएम साहब, आप अगर इतना तक जुबान दे सकता है तो एक रात में उसको ठीक करा दीजिए। वो जो हिमालय हिमा हॉस्पिटल के सामने वाला जो रोड पोर्शन है उसको इमीडिएटली ये ड्रेन को लेके एंटायर वो पोर्शन को कंप्लीट कर देना है। और वो अपना बात को एक डेडलाइन टाइम दे के प्रॉपर ड्रेनेज मेंटेन नहीं किया है, प्रॉपर रिटेनिंग वॉल मेंटेन नहीं किया है, काफ़ी डैमेजेस रिसेंटली हम सभी को देखने को मिला है, जनता को भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिला है। जल्दबाजी में वर्क एग्जीक्यूशन होने के कारण से बहुत सारा तकलीफें हमारा जनता को ही फेस करने को मिला है। तो ऐसे आगे जाके फ्यूचर में हमारा सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता, आगे जाके ऐसे कभी इमेच्योर कमेंट्स मीडिया में नहीं रख देना है। तो वो इमेच्योर कमेंट्स अगर रख देने से क्या होता है, अपना कमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करके कर देता है, तो हमारा क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं कर पाता है। तो आफ्टर ऑल आखिरी में प्रॉब्लम तो हमारा जनता को ही फेस करना होता है।